discrimination against the Dalit community comes to light again, this time in an incident from the outskirts of Jaipur. A Dalit bridegroom had to take permission from the district administration of Jaipur to take out a pre-marriage procession on horseback. This because Musalmen reportedly don't allow Dalits to carry out processions on horseback. The groom was given protection after he cited security fears. अरविंद जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर. अरविंद, अपनी ही बारात निकालने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत लेनी पड़ी. देखिए, ये बहुत ही शॉकिंग मामला है और राजस्थान के इंटीरियर इलाकों से ऐसे मामले आते रहे हैं, पर कई सालों में पहली बार जयपुर के 20 किलोमीटर दूर बराला गांव से ये मामला रिपोर्ट हुआ है, जहां पर भगवान साय रेगर, एक दलित दूल्हा जो था वो अपनी सुरक्षा के लिए इतना चिंतित था तो कि उसने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सुरक्षा के लिए लिखा और 13 तारीख को उसकी बिंदोरी निकाली गई और भगवान साय रेगर जो है उसकी शादी आज 14 तारीख को है. ये मामला इसलिए भी और इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि राजधानी जयपुर के 20 किलोमीटर के अंदर भी अगर दलित अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो ये पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है राजस्थान के अंदर. और ये लेटर भगवान साय रेगर ने लिखा, उसके बाद उसे बिंदोरी निकालने के लिए पूरी सुरक्षा प्रोवाइड की गई है.